हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग जून 2024 में बाइक्स के बारे में, यानी कि जून 2024 में कौन सी 10 मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी सेलिंग सबसे ज्यादा हुई है। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे इसके पिछले महीने मुकाबले में इसकी सेलिंग्स में कितने परसेंट की बढ़ोतरी आई है या फिर कमी आई है, जिससे कि हो सकता है कि अभी सेलिंग्स के बेस पर कोई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और इस तरीके का वीडियो हर महीने आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे 10th नंबर से, तो 10वें स्थान पे जो कि हीरो कंपनी की ग्लैमर 125 है और ग्लैमर की जून 2024 में टोटल 24,159 यानी कि 24,159 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने टॉप 10 की लिस्ट से बाहर थी, लेकिन इस महीने इसकी बिक्री में 26.97% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। लिस्ट में जो 9वें स्थान पे है क्लासिक 350 है रॉयल एनफील्ड की, और ये पिछले महीने इसी नंबर पे थी और इसके जून 2024 में टोटल 24,803 यानी कि 24,803 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 4.31% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। और 350 सीसी में इकलौती मोटरसाइकिल है जो कि हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में आती रहती है। वहीं 8th नंबर पे जो कि होंडा कंपनी की यूनिकॉर्न है, ये भी काफी बेसिक से लुक के साथ आती है, लेकिन इसकी बिक्री काफी अच्छी होती है और ये पिछले महीने इसी नंबर पे थी। जून 2024 में टोटल 26,751 यानी कि 26,751 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जो कि पिछले महीने मुकाबले में 8.13% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे लिस्ट में 7th नंबर पर जो कि टीवीएस कंपनी की राइडर 125 है, पिछले महीने 6th नंबर पर थी और इसके जून 2024 में टोटल 29,850 यानी कि 29,850 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जो कि पिछले महीने मुकाबले में 19.86% की इसकी बिक्री में कमी आई है। वहीं इस लिस्ट में जो 6th नंबर पे है बजाज कंपनी की प्लेटिना है, इसने राइडर को पीछे किया है। ये पिछले महीने 7th नंबर पे थी, इस महीने 6th स्थान पे आ गई है क्योंकि इसके जून 2024 में टोटल 33,101 यानी कि 33,101 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जो कि पिछले महीने मुकाबले में 9.46% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लिस्ट में जो 5वें स्थान पे है टीवीएस कंपनी की अपाचे सीरीज है, जिसमें अपाचे के सभी मॉडल्स मिल जाते हैं, पिछले महीने इसी नंबर पे थी और इसके जून 2024 में टोटल 37,162 यानी कि 37,162 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 1.92% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। लिस्ट में जो 4th स्थान पे है हीरो कंपनी की एचएफ डिलक्स है, पिछले महीने इसी नंबर पे थी और इसके जून 2024 में टोटल 89,941 यानी कि 89,941 यूनिट इसके बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 3.21% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है बजाज कंपनी की पल्सर सीरीज है, जिसमें पल्सर के सभी मॉडल्स आ जाते हैं, पिछले महीने इसी नंबर पे थी और इसके जून 2024 में टोटल 111,101 यानी कि 111,101 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 13.53% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। लिस्ट में जो 2nd नंबर पे होंडा कंपनी की साइन है, 125 सीसी में SP20 में शामिल है, पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी और इसके टोटल जून में 139,587 यानी कि 139,587 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 6.35% की इसकी बिक्री में कमी देखने को मिली है। लिस्ट में जो पहले नंबर पे है हीरो कंपनी के स्प्लेंडर है और स्प्लेंडर में भी अब इस समय काफी सारे वेरिएंट मिलने लगे हैं, पिछले महीने इसी नंबर पे थी। ये पिछले महीने क्या पिछले कई सालों से ये पहले नंबर पे आती है क्योंकि इसके जून 2024 में टोटल 305,586 यानी 305,586 यूनिट इसके बेचे गए, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 0.30% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 10 वो मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी सेलिंग्स जून 2024 में सबसे ज्यादा हुई है, या भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है। इनमें से कौन सा मोटरसाइकिल, किस ब्रांड का मोटरसाइकिल, कौन सा मॉडल आपने परचेस किया है जून में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको स्कूटर्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, कौन से 15 स्कूटर सबसे ज्यादा बेचे गए हैं जून 2024 में, उसकी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर महीने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।